आज ये पहला गोल सिंगापुर की तरफ से कैप्टन आमरी ने किया यहाँ पर, और यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पहला गोल किया और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि जैसे सिंगापुर इस लेग में वापस आ जाएगा। दूसरा गोल यहाँ पर बारी, बिल्कुल कोई चांस नहीं था गोलकीपर के लिए, और यहाँ तक सिंगापुर ही क्वालिफाई कर रहा था जब तक, लेकिन फारूक शाह के आने के बाद एक पलटा खाया पाकिस्तान की टीम के हक में और पाकिस्तान को वो हौसला अफजा बात मिली जहाँ ओन गोल हुआ है। मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट मैच का सेल्फ गोल हुआ है। एक बहुत ही जरूरी ऐलान सुनिए, सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, पाकिस्तान टीम के लिए 10 लाख रुपया। और ये ऐलान हो रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल बक्से राउंड क्वालिफाई कर रहा है, उसके लिए मोदी साहब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फैसल सालेहियात और अरशद खान लोधी की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। अरशद लोधी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के मैच के बारे में थोड़ा समय बताएंगे और वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आज के इस तारीखी फतह के बाद। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहम्मद अरशद खान लोधी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह